सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको कोई ऑर्डर में डेटा को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं हमारे पहले का डेटा को ले लेता हूँ, ये हमारा डिपार्टमेंट है, और इससे मैं ये टेबल को शो कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो भी डेटा आप देख सकते हो, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। तो ये मैं क्वेरी लिख के बता देता हूँ। तो सेम सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद में फिर आपको लगाना है ऑर्डर बाय, और हमें आईडी के ऊपर लगाना है। तो इधर मैं लिखूंगा डी आईडी, और लास्ट में आपको लिख देना डिसेंडिंग, तो DESDESE। बाद में फिर मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलम और इसको को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारे रिवर्स ऑर्डर में सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अभी आपको है ना DID डिसेंडिंग ऑर्डर, डी नेम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये दोनों चीज़ें करनी है, तो वो कैसे कर सकते हो वो भी करना बहुत ही सिंपल है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय DID, सेम मैं लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद में मैं लगाऊंगा इधर कॉमा, और उसके बाद में मैं लिखूंगा डी नेम, जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ASC असेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर बाय आईडी जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और बाकी का जो डी नेम रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। तो मतलब अल्फ़ाबेट वाइज ABCDEFG बाद में जैसे जैसे वर्ड आते वैसे वैसे आएगा। तो इस तरह ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग को यूज़ किया जाता है।